सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो आज हम लोग बात करेंगे लॉग मैनेजमेंट के बारे में कि अपने एप्लीकेशन के अंदर हम लॉग को कैसे मैनेज करें। तो बेसिकली जो लॉग होता है वो हमारे हर स्टेप की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करता है, जिससे हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को इजी तरीके से समझ सके। तो स्प्रिंग बूट जो होता है वो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करता है लॉग के लिए। लॉग को हम दो तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, एक तो कंसोल के अंदर, दूसरा हम फाइल के अंदर। तो चलिए इसको कॉन्फ़िगर करके देखते हैं और आउटपुट में अपने लॉग को प्रिंट कराते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमें अपने YAML फाइल के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी लॉग से रिलेटेड। स्प्रिंग डॉट वेब के जैसे ही हमने डिपेंडेंसी डाले तो लॉग की भी प्रॉपर्टी हमें मिल गई, बस हमें YAML के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी। लॉग का पेरेंट की होगा लॉगी, इसके अगेंस्ट हम पहले एक फाइल दे देते हैं जहां पे हम अपने लॉग को फाइल के अंदर प्रिंट करेंगे। उस फाइल का नाम दे देते हैं। अब फाइल के अंदर हमें क्यों रखना है, क्योंकि प्रोडक्शन में जब हमारा डिप्लॉय होगा तो उस टाइम पे तो कंसोल के लॉग हम देख नहीं पाएंगे, तो हमारे पास कहीं तो डेटा स्टोर होके होना चाहिए। उसको हम क्या करेंगे, एक फाइल के अंदर स्टोर करके रखेंगे। फाइल का नाम दे देते हैं यूजर लॉग और लॉग, ठीक है। तो लॉग नाम का बाय डिफॉल्ट फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और वहां पे ये यूजर लॉग नाम से एक फाइल क्रिएट हो जाएगी जहां पे हमारे सारे लॉग की इंफॉर्मेशन होंगी। ये तो फाइल का नाम हो गया, प्लस एक पैटर्न देते हैं कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो किस पैटर्न में प्रिंट होगा। तो हमें पैटर्न कंसोल और फाइल दोनों के लिए देनी होगी, क्योंकि हम कंसोल में भी प्रिंट कराते हैं। तो जस्ट यहाँ पे एक की ऐड करेंगे कंसोल के लिए और यहाँ पे हम पैटर्न पास करेंगे। तो सबसे पहले हम देंगे परसेंटेज डी, ये क्या करेगा कि डेट और टाइम को प्रिंट करेगा। देन स्पेस के बाद परसेंटेज हाइफन फाइव लेवल, यहां से हम लॉग का लेवल देंगे, ठीक है। तो लॉग लेवल के बारे में अभी ये फाइल कंप्लीट करने के बाद डिस्कस कर लेते हैं। देन यहाँ पे हम पास करेंगे थ्रेड। अगर हमारा मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम है जिससे हमें ये पता चल सके कौन से थ्रेड में कौन सी इंफॉर्मेशन प्रिंट हुई है। देन लॉगर, उसके बाद लॉगर के अगेंस्ट हम मैसेज पास कर देंगे और ये मैसेज जो होगी हमारी, जो हम हर एक स्टेप पे लिखेंगे वही आएगा यहाँ पे। ये हो गया कंसोल के लिए, और एक फाइल के लिए भी हम ऐड कर लेते हैं एज इट इज सेम इंफॉर्मेशन को। यहां से चेंज कर देते हैं इसको फाइल, और कंसोल में थ्रेड प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल तो, ठीक। तो यहाँ पे हमने फाइल दे दिया और पैटर्न डाल दिया। अब इसके बाद हम लेवल डिसाइड करेंगे। तो बेसिकली जो लॉग के लेवल होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं, फैटल, एरर, वार्निंग, डिबग, इन्फो एंड ट्रेस। तो हर एक लेवल का अलग अलग यूज है, जैसे कि सिस्टमैटिक कोई एरर आ रहा है उस टाइम पे हम फैटल का यूज करेंगे, अगर प्रोग्रामेटिकली कोई एरर आ रहा है उस टाइम पे एरर का यूज करेंगे, अगर कहीं पे कोई वार्निंग से रिलेटेड हमें मैसेज प्रिंट करानी है उस टाइम पे वार्निंग लेवल का यूज करेंगे। ऐसे ही 6 टाइप के लेवल हैं, हम अपने अकॉर्डिंग उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दे देते हैं ओआरजी डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट वेब, इसका लेवल हम लोग डिसाइड कर लेते हैं एरर, ठीक है। यहाँ पे रेड आ रहा है, आई गेस यहाँ पे टैब और नॉट अलाउड है, हमें तो डबल स्पेस देना है ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे डबल स्पेस दिया एरर भी हट गया। तो स्प्रिंग की कोई भी एरर आएगी उसको प्रिंट करेगा। उसके बाद हम दे देते हैं अपने, उसके बाद अगर हमने हाइबरनेट डाल के रखा है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं हाइबरनेट, और इसका भी टाइप दे देते हैं एरर। तो हमें पैकेज का ध्यान रखना होगा, बेस पैकेज जो हो हमारे फ्रेमवर्क का, हमारे डिपेंडेंसी का, उसी के अगेंस्ट हम लेवल टाइप डिफाइन करेंगे। तो अगर हमने यहाँ पे टाइप एरर दे के रखा है तो एरर लेवल डालने से क्या होगा कि एरर सेल्फ और अपने पेरेंट लेवल को भी प्रिंट करेगा, ठीक है। तो जो भी लॉग लेवल होंगे वो सेल्फ और अपने पेरेंट को भी प्रिंट करेंगे। देन हाइबरनेट हो गया, और उसके बाद हम अपने पैकेज का दे देते हैं। पैकेज के अंदर हम अगर कस्टम लॉग कुछ ऐड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो उसका भी दे देते हैं। तो हमारा बेस पैकेज क्या है, com.g2it.ecom.app। तो यहाँ पे डाल देते हैं com.g2it.ecom.app। इसके अगेंस्ट हम लोग लगा लेते हैं डिबग, ठीक है। डिबग क्यों, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे होंगे जिससे हम स्टेप्स को भी एनालाइज कर सके, ठीक है। तो उसको भी हम प्रिंट कराएंगे, और साथ ही साथ इसके पेरेंट जो होंगे एरर और फैक्ट
वो भी प्रिंट हो जाएंगे। तो ये हमने प्रॉपर्टी फाइल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अब उसके बाद चलते हैं हम अपने रिसोर्स क्लास के अंदर और यहीं पे एक लॉग को ऐड करते हैं। तो लॉग को लिखने के लिए हमें एक एनोटेशन यूज करना होगा क्लास लेवल SLF 4J का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लैम्बॉक का SLF 4J आ गया। इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम मेथड के अंदर अपने लॉग को लिखते हैं। तो बेसिकली लॉग को लिखने के लिए लॉग डॉट, अब जो भी हमें लॉग की टाइप देनी होगी वो लिख लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूं एक डिबग, ठीक है। इसके अंदर मैं मैसेज पास कर देता हूं मेथड स्टार्ट एड न्यू यूजर, ठीक है। तो ये मैंने एक लॉग ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही हम लॉग को अपने सारे मेथड के अंदर लिखेंगे। यहां पे मैं इन्फो का यूज कर लेता हूं। उसके बाद एक ट्रेस भी यूज कर लेते हैं और देख लेते हैं वो प्रिंट करता है कि नहीं। उसके बाद चलते हैं सर्विस के अंदर। तो सर्विस के मेथड के अंदर हम यहाँ पे एक्सेप्शन को थ्रो करा रहा है, तो यहाँ पे जस्ट लॉग डॉट एरर यूज कर लेते हैं और सेम मैसेज को हम पास कर देते हैं यहां से जो हमने थ्रो करा के रखा हुआ है SLF 4J। इसको ऐड कर लेते हैं, ये रिजॉल्व हो गया। तो जहां जहां भी एरर है वहां पे हम एरर को यूज कर लेते हैं। डिबग भी यूज कर लिया है, इन्फो भी यूज कर लिया है और ट्रेस भी यूज कर लिया है। प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो चेक करेंगे कौन कौन सी लेवल प्रिंट हो रही है, ठीक है। एक्सेप्शन भी रेज किया जाएगा और नॉर्मल भी। तो फिलहाल मैं अभी इतना ही ऐड कर रहा हूं, बाकी आपने जितने भी मेथड बनाया है उसमें ऐड कर लेना, ठीक है। सर्विस को रन करते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी सर्विस रन करते हैं, देन गेटवे सर्विस रन करते हैं और साथ ही साथ यूजर सर्विस को भी रन कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो लॉग ऐड किया वो यूजर सर्विस के अंदर ही किया हुआ है। यहाँ पे कुछ एरर है, यूजर सर्विस के अंदर कुछ एरर है। लाइन नंबर 42 पे टैब मिल रहा है, तो उसको देखते हैं। लाइन नंबर 42 ये हमारा है, इसको हटाते हैं यहां से, ठीक है। सेव करते हैं और देन फिर रन करते हैं। तो हमारी यूजर सर्विस भी रन हो चुकी है, चलते हैं इंसोमिया में। उससे पहले आप यहाँ पे कंसोल में देख सकते हैं ये जो इंफॉर्मेशन प्रिंट हो रहा है ये क्या है, कंसोल लेवल लॉग है, ठीक है। जो लॉग हमारा कंसोल में प्रिंट हो रहा है ये कंसोल का लॉग है। तो हमने जो ये लॉग लगा के रखा है ये लॉग कंसोल में भी प्रिंट होगा और फाइल में भी लिखेगा, ठीक है। उसके लिए इंसोमिया पे चलते हैं और यहां से एक यूजर ऐड करते हैं। यहां से मैं गेटवे का पाथ दे देता हूं 8080 और सेंड करता हूं। तो जैसे ही सेंड किया हमें क्या मिला, इंटरनल सर्वर एरर, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट बाय गिवन ईमेल आईडी। क्यों? क्योंकि ये जो यूजर है ये पहले से ही एडेड है, ठीक है। और एरर लेवल जो हमने लॉग लगाया है वो प्रिंट हुआ होगा, बट तो उससे पहले हम एक यूजर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे यूजर ऐड हो गया, तो ठीक है। अब चलते हैं क्लिप्स के अंदर अपने लॉग को चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो चलते हैं यूजर सर्विस में और यहाँ पे आप देखो हमने लगा के रखा था यूजर रिसोर्स में मेथड स्टार्ट एड न्यू यूजर और जो एरर आया था हमारा यूजर सर्विस यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये दोनों लॉग यहाँ पे प्रिंट हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट और टाइम प्लस लॉग का लेबल और किस क्लास के अंदर में वो लॉग आया हुआ है और क्या लॉग, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कंसोल में देखने को मिल जाएगी। तो प्रोडक्शन में तो हम लोग कंसोल में चेक नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमने फाइल में लॉग को लिख रखा है। तो चेक कर लेते हैं हमारा फाइल कहाँ है। तो चलते हैं इस एप्लीकेशन के लोकेशन पे और वहां से हम निकालते हैं अपने फाइल को। प्रॉपर्टी, ये हमारी प्रोजेक्ट की लोकेशन हो गई, इसके अंदर है और यहाँ पे आप देखो लॉग नाम का एक फोल्डर बन गया और इसके अंदर यूजर लॉग जो हमने फाइल का नाम दिया था, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं नोटपैड प्लस प्लस को। तो आप देख सकते हैं हमने जो लॉग की इंफॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग हमारे सारे लॉग प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है।
डीबग लेवल जो दिया था वो भी आ गया, एरर लेवल आ गया, ठीक है। और जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क और हाइबरनेट के देके रखे थे उसके भी लॉग यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं फाइल के अंदर। तो ये थी लॉग की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको और डीप में हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रो सर्विस लेयर पे इसको सेंट्रलाइज कैसे किया जाए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।